प्लस टेन, कैसे आप लोग? ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके सीबीएसई 2021 में। क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप पढ़िए। कह रहे थ्री बेल्स रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 4, 7, 14 मिनट्स। मतलब एक बेल रिंग होता है 4 मिनट्स, तो नेक्स्ट क्या होता है 7 मिनट्स और फिर 14 मिनट्स। तीनों रिंग का अपना अपना इंटरवल है। अच्छा, ऑल द थ्री बेल्स रिंग एट 6 AM। तीनों का अलग अलग इंटरवल है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि तीनों का इंटरवल मैच करता है। मैच करता है मतलब तीनों रिंग एक साथ रिंग हो जाता है, तीनों बेल एक साथ रिंग हो जाता है। वो टाइम 6 AM दिया हुआ है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ फिर से कब वो टाइम आएगा जब तीनों बेल एक साथ रिंग करेंगे। मतलब तीनों एक साथ हो, इसका मतलब क्या होता है? एलसीएम मतलब अगर आप 4, 7 और 14 का एलसीएम ले लेंगे, यानी वो जो टाइम आएगा उस टाइम में क्या होगा, फिर से तीनों बेल एक साथ रिंग करेगा। ठीक है, क्लियर है? तो आप एलसीएम लेके देखिए, जैसे 4 है, 4 के लिए क्या हम लिखेंगे, 2 × 2 आपका 7 है, तो 7 ही होगा। 14 के लिए क्या हो जाएगा, 2 × 7, तो तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 4, 7 एंड 14, ये क्या हो जाएगा, 2 to the power 2 लेंगे। ठीक है, और 7 to the power मैक्सिमम 1 है, एक ही 7 है, तो ये हो जाएगा 28। एलसीएम लेना सबको आता है, क्लियर है? यानी एवरी 28 मिनट्स के बाद क्या होता है, एवरी 28 मिनट्स पे क्या होता है, तीनों बेल एक साथ रिंग करता है। ठीक है, जैसे अभी किया तो फिर 28 मिनट्स के बाद फिर से तीनों एक साथ रिंग करेंगे, और अलग अलग भी रिंग करता है। ठीक है, ये मैं बार बार बता रहा हूं, एक साथ रिंग करने का कंडीशन, तो तीनों पे आपने एलसीएम ले लिया। तो मान लो कि अभी एट प्रेजेंट अगर तीनों बेल एक साथ रिंग करता है, तो आफ्टर 28 मिनट्स फिर से वो रिंग करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर फर्दर 28 मिनट्स के बाद रिंग करेगा। तो आपके क्वेश्चन, यानी ये तीनों बेल कब रिंग करेगा, द थ्री बेल्स रिंग टुगेदर एट 6 AM में। अभी बेल रिंग किया 6 AM, इसमें आप 28 मिनट्स ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा आपका 6:28 AM। कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है? अब आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।